गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल विक्की व्लॉग्स। आज हम लोग अपनी होंडा सिटी को वी गोइंग टू गिव हिम अ लिटिल काइंड लिटिल मॉडिफिकेशन, नॉट ऊपर से अपीयरेंस वाइज नहीं, बट वी गोइंग टू इम्प्रूव द शॉक अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ द कार बाय इंस्टॉलिंग रोजर रैप शॉक एब्जॉर्बर शॉक सस्पेंशन हाइट मॉड्यूलेटर। हमने अभी आज रिसीव किया है। इट कॉस्ट मी अराउंड 4400 डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एंड दिस वी गोइंग टू प्लेस इन आवर शॉकर्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहते हैं कि इससे सिर्फ इसकी रोलिंग कैपेसिटी एंड द स्टेबिलिटी इम्प्रूव, हाइट पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है गाड़ी का, बट येस ऑन इंडियन रोड्स द बम्पर्स आर सो हाई, तो मे बी बम्पर अवॉइडेंस हो जाएगा, गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी। सो इनिशियली लेट्स दिखा दो क्या डिस्टेंस है गाड़ी का फ्रॉम द टायर एंड मेक आउट, पूरी गाड़ी दिखा दे साइड से। सो दिस इज द होंडा सिटी विच वी गोइंग टू मॉडिफाई लिटिल, नीचे से आने का नहीं दिखेगी, बट ऐसा फ्रंट अनबॉक्सिंग विल डू एट द सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन हम वो ढूंढेंगे जहाँ पे गाड़ी लिफ्ट कर सकें सो दैट इसको लगाने में ईजी रहेगा। जो मैंने रेफरेंस वीडियोज़ देखी हैं उसमें यह है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा पार्ट विल गोज फॉर द फॉरवर्ड पार्ट एंड द स्मॉलर रिंग्स विल गो ऑन द आफ्टर पार्ट, जस्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ द वेट, आगे इंजन होता है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट मे बी। सो अब हम इसका विल सी द इंस्टॉलेशन इन दिस वीडियो एंड देन आई विल चेक दिस कार फॉर अ वीक एंड देन आई विल पुट द फाइनल वर्डिक्ट कि क्या बेनिफिट हुआ और क्या मुझे डिफरेंस मिला। सो लेट्स डू दिस रोजर। सो यहाँ आए हम उत्तराखंड ऑटोमोबाइल, यहाँ सभी प्रकार की डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल काम होता है, कंप्यूटराइज, ये भैया का है। बनाएंगे ना वीडियो बनाएंगे, खोल दिया कर दिया, बस इसको म्यूट करके अपना होगा। नहीं नहीं ठीक है, इसके देखिए मिला एक मैं बताता हूँ, एक ये है, दोनों टायर ये है, अब ये देख साइज का फर्क है, ये छोटा पीछे के लिए है, बड़ा वाला आगे की साइड से, और ये गिनके 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब दो दो सबके लिए दिए हैं, पर हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें, मतलब 8 और चाहिए मुझे, है ना, टेबल टाइप और कुछ नहीं है, तो मेन बस यही चीज़ है। ठीक है डन। इसके डब्बे में लिखा हुआ आता है और एज पर द बॉक्स इसकी लाइफ कुछ 2 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की होती है। विल सी हाउ गोज अबाउट। यहाँ पे थोड़ा गाड़ी गुड़ी को धक्का मारना पड़ जा रहा है। अरे भाई साहब जिंदगी और आगे अर्टिगा पे घुस गई भाई साहब, टाटा है अर्टिगा तो बिचका देगी। बोलो भाई, बंदा पिछका दिया, बंदा पिछका दिया भाई ने, अभी रैंप पे चढ़ने जा रही है। सीधा करो सीधा, बस। और ये गाड़ी उठ रही है हमारी,
क्या बोलते हैं इसको, रैम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, लिफ्टर, हाँ जो भी है कार लिफ्टर। ये इसमें बैठ जाता है ना, ये ग्रूव में, तो ये ऐसे इस चार बैठते हैं। अब इसे ऐसे हम बांध देंगे, ये बेटा पूरा दिखा दें, ये ऐसे लग जाए, और फिर इसको हम चारों तरफ से केबल टाइप से बांध देंगे, या जिप लॉक जिसे बोलते हैं। सो कुछ ऐसा है ये फाइनल, हमने चार जगह पे इसकी लॉकिंग दी है, हालांकि इसका नंबर ऑफ टाइज दो दो के हिसाब से आती है, बट हमने इसको एक्स्ट्रा दो दो जगह मोर लॉकिंग दी है, सो होपफुली इट वोंट गो ऑफ। मैं थोड़ा आपको साफ दिखेगा, ये दूसरा है, तो गाइस हमने करा लिया एक काम, चारों टायर में हमने रोजर अब फिक्स करा दिए स्प्रिंग लोडेड में, स्प्रिंग्स में, एंड अभी मुझे ड्राइव करते हुए थोड़ी सी गाड़ी ऊपर लग रही है, जैसे वो भैया ने भी बोला कि 4 से 5 mm गाड़ी उड़ गई है ऊपर, और मुझे एक संभव आई डोंट नो फील हो रहा है कि गाड़ी उड़ गई है। इवन कार्तिक भी मेरे साथ है, वो भी यही बोल रहा है, अच्छी खासी उड़ गई है, फील हो रहा है हमें। इसका हम टेस्ट करेंगे हमारे घर के बाहर, वहाँ पे एक बम्पर है, वहाँ डेफिनेटली टच होती है, अगर अभी चढ़ते और उतारते वक्त टच नहीं हुई तो दैट मीन्स we have done a good job, right? Successful. Okay. Huh. Ready? Okay guys, so now अब इसका टेस्ट है, आप देख रहे हैं आगे रोड टीप वो है, टी पॉइंट kind of, तो अब ये रोड यहाँ पे डीप है, तो एवरी टाइम जब भी मैं इसको निकालता हूँ ये टच होती है। अभी देखते हैं, आई डोंट नो whether it will be captured in camera or not, but इसकी एक है ये आवाज करती है सीजन गन में, सक्सेसफुल। सो स्ट्रेट निकालने में ये टच नहीं हुई नीचे, हालांकि शायद मुझे लगा कि हुई थोड़ी सी, नहीं मुझे फील हुआ मैं प्रॉपर की टच नहीं हुई। चलो एक बार इसको वापस उठते हैं करेंगे। ओके सो अभी हमने रोल डाउन किया था उस हिच से, इस हिच से अब इसे रोल अप करेंगे, तो विल सी कि आगे का लगता नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मली ये टच होती थी जब आप उसको स्ट्रेट बम्पर से निकाल रहे हो। सो रेडी, लेट्स सी अब कैसा आता है। चलो चलो चलो,
Beautiful. Oh, success. Yeah, success, bhai. Success. Straight mein nahi hui. Otherwise, ye gaadi front uska ragadta ho jata tha upar. Proper. Check karke. And now, finally, chalo. I recommend now to this product is thumbs up. No doubt about it. Okay. So now the car is in the same exact location jahan pehle thi before the modification. Now you can see how it's in the same. There's a appreciable change in the distance from 4 to 5 mm. If you see the side look, the gap has increased. Same way for the forward. और जो है फ्रंट से इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं डिफरेंस आया है, देख सकते हैं. मैंने पहली वीडियो बनाई थी और इसमें Now you can see how there is a change. There's a appreciable change in the distance from 4 to 5 mm. If you see the side look, gap has increased. Same way for the forward. और जो है फ्रंट से इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं डिफरेंस आया है, देख सकते हैं. मैंने पहली वीडियो बनाई थी और इसमें. So guys, thank you for watching this video, and if you like it, then please do share it and subscribe to my channel who are new, and don't forget to ring the bell icon, because that's the most important thing jo aapko mere updates dega, right? So okay guys, bye bye, thank you, and have a good riding and a safe riding.